यूं तो 90s की बॉलीवुड की दो सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियां शिल्पा शेट्टी और भाग्यश्री के बीच कोई ताल्लुकात नहीं है, ना ही दोनों का एक दूसरे से ज्यादा बोलचाल है, ना ये कभी एक दूसरे से कोई मतलब रखती हैं। फिर आखिर क्यों इतने सालों बाद दोनों अभिनेत्रियों में अब भयानक टक्कर हो रही है? आखिरकार क्या है इसके पीछे की असली वजह जो एक दूसरे से भिड़ रही है? आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, पर उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जैसे कि हम जानते हैं कि 90s की दो सबसे कामयाब एक्ट्रेसेस भाग्यश्री और शिल्पा शेट्टी का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना इन्होंने कभी एक साथ फिल्मों में काम किया है और ना ही इनके ज्यादा हाई हेलो है, पर फिर भी इनके बीच आज भयानक टक्कर हो रही है। दरअसल हुआ यूं कि एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की आने वाली फिल्म निकम्मा का ट्रेलर लॉन्च इवेंट था। शिल्पा इस फिल्म से दोबारा धमाका करने आ रही हैं और इस फिल्म में एक्ट्रेस भाग्यश्री का बेटा अभिमन्यु भी है। इसी बीच अभी कुछ देर पहले जब शिल्पा अपने इवेंट पर पहुंची तो वहां मौजूद एक्ट्रेस भाग्यश्री को इन्होंने ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे ये उन्हें जानती तक नहीं। जी हां, शिल्पा इवेंट पर पहुंची तो भाग्यश्री उनसे गले मिलने आई। इसके बाद शिल्पा ने कुछ ना कहकर अपना मुंह उनसे मोड़ लिया और कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर जब तक एक्ट्रेस भाग्यश्री वहां खड़ी रही, एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने एक भी बार उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखा, जबकि शिल्पा अपनी नई फिल्म में उन्हीं के बेटे के साथ काम कर रही हैं। वहां शिल्पा दूसरे लोगों से तो बात कर रही हैं, सेल्फी ले रही हैं, लेकिन इन्होंने एक्ट्रेस भाग्यश्री से एक शब्द नहीं कहा, जिस वजह से आज लोग शिल्पा को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं और इनके इस एटीट्यूड को देखकर इन पर कमेंट पास कर रहे हैं। वहीं भाग्यश्री को बहुत बुरा लगा शिल्पा के इस हरकत का, लेकिन उन्होंने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। पर शिल्पा ने ऐसा किया क्यों, ये अभी तक किसी को समझ नहीं आया। तो दोस्तों, क्या एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को ऐसे सभी को इग्नोर करना शोभा देता है? आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही ऐसी लेटेस्ट खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।